here to discuss the influences for संडे दैट इज यस्टरडे है ना, हम आज 6 अगस्त 2023 का लिस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन ऑफ यू, अगर आवाज आप तक क्लैरिटी से पहुंच रही है तो वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन। ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू, नमस्ते नमस्कार। चलिए देखिए, व्हेन यू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन, मतलब यस्टरडेज डिस्कशन, हम 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त जो है यस बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग तनिष मैंशी टू एवरीवन, आई एम बिट लेट, आई एम लेट बाय कपल ऑफ मिनट्स, मोर देन कपल ऑफ मिनट्स। ओके चलिए, वी स्टार्ट आवर डिस्कशन नाउ, है ना। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ दिया हुआ है, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस देखिए, फ्रंट पेज चंद्रयान गॉट इट टू लूनर ऑर्बिट एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज देयर इन द पेज 9, है ना। अब इसमें जो टर्म यूज की गई है उसको पहले हम देखें, तो टर्म पहली होती है लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, मतलब कि चंद्रयान जो है वह लूनर ऑर्बिट, लूनर मतलब होता है चंद्रमा, है ना, तो चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उसमें चंद्रयान हैज गॉट देयर, मतलब इट हैज गॉट इनटू लूनर ऑर्बिट ऑफ चंद्रयान। अभी देखिए, हम लोगों ने बिगिनिंग की थी ऑन लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ से लेकर इट इज गोइंग टू ट्रेवल टू मून टिल 23rd of August। तो पहले तो पृथ्वी के आसपास जो परिक्रमा लगाई गई एक तरीके से, है ना, जो अर्थ ऑर्बिट थे उसके बाद में गॉट इनटू द लूनर ऑर्बिट। तो ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन मतलब इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच द चंद्रयान इज गेटिंग इनटू द लूनर ऑर्बिट, चंद्रमा की जो ऑर्बिट होती है वहां पर प्रवेश कर रहा है। फिर एक वर्ड इसमें यूज किया गया था पेरल्यून, है ना, पेरल्यून का मतलब होता है पॉइंट इन एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द सन, मतलब सन के जो सबसे नजदीक वाला पॉइंट रहेगा, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट रहेगा, उसको पेरल्यून कहा जाता है। पेरल्यून का मतलब देखिए, इसमें लूनर से LUNE इज लूनर से बना हुआ है, पेरी जो होता है उसका मतलब होता है तो सराउंडिंग इज वन ऑफ द मीनिंग एंड क्लोजनेस इज अनदर मीनिंग। तो पेरिलून का मतलब होगा क्लोजेस्ट ऑर्बिट टू द मून, राइट, तो चंद्रमा की सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिट जो होगी, है ना, दैट दैट विल बी कॉल्ड द पॉइंट इन द क्लोज क्लोज ऑर्बिट ऑफ द मून, दैट इज बी कॉल्ड पेरिलून, उसको बोला गया है ना। फिर एक वर्ड है दैट इज रिट्रो बर्निंग, रिट्रो बर्निंग का मतलब क्या होता है, रिट्रो बर्निंग का मतलब ये होगा कि नॉर्मली व्हाट इज जो होता है ना प्रोसेस होती है वो थर्स्ट प्रोवाइड किया जाता है और उससे जो होता है इट इज गोइंग टू वो उसको स्पीड प्राप्त होती है, बट इज द रिवर्स ऑफ इट, व्हेन स्पीड हैज टू बी उसकी स्पीड जब कम कर दी हो तो रिट्रो बर्निंग की जाती है ना। तो इट्स इंजन बर्न डन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स पार्ट टू रिड्यूस इट्स स्पीड, मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो किया जाएगा ना प्रोसेस उसको रिट्रो बर्निंग कहा जाएगा, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 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 द सैटेलाइट, एंड उसमें भी उसकी स्पीड को कम करने के बाद, कंट्रोल मतलब उसको एक तरीके से उसको कम कर, डिक्सलेशन की हम बात कर रहे हैं। फिर मनुवर, वी ऑल नो इट्स मूवमेंट, बेसिकली चेंजेस मूवमेंट पुश होता है ना उसको मनुवरिंग कहा जाता है, एंड डी बूस्ट इज स्लोइंग डाउन ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट। तो मतलब ये जो रिट्रो बर्निंग डी बूस्ट को देखें तो दे आर ऑल रिलेटेड टू इच अदर। तो दीज आर सम टर्म्स विच हैव बीन यूज्ड इन दिस न्यूज आर्टिकल, ये कुछ टर्म्स यूज की गई है। इसमें पेरिल्यून याद कर लीजिएगा, द क्लोजेस्ट ऑर्बिट टू द मून इज कॉल्ड पेरिल्यून। ऑडिबल नहीं है, जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट बेटा। नाउ एम आई ऑडिबल बेटा, क्लैरिटी से बताइए, ऑडिबल अभी है, आवाज क्लियर आ रही है? जस्ट जस्ट क्यों, मैं चेक कर लेता हूं। ऑडिबल है,
चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दीज वर द टर्म्स यूज विच मैं आपको बताया, अब यहाँ पर हम डिस्कस करें इसको। तो इसरोज अचीवमेंट की बात करें तो इसरो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड लूनर ऑर्बिट इंसर्शन ऑन 5th ऑफ अगस्त, दैट इज सैटरडे को किया गया था। और न्यूज जो बनी है, न्यूज वॉज देयर ऑन द संडे, संडे को न्यूज आई थी। और इसमें संडे सैटरडे शाम को 7 PM डायरेक्टेड मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स जो टेलीमेट्री दिस ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क होता है उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया गया। आफ्टर रिट्रो बर्निंग, दैट इज द डीएक्सलेशन पार्ट बोले, द पेरल्यून फॉर 1.3 1.835 सेकंड, मतलब इस दरमियान स्पेसक्राफ्ट अचीव एन ऑर्बिट ऑफ 164.1874 का, इसका जो वो ऑर्बिट थी, जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, वो इसके द्वारा अचीव की गई थी, है ना। दिस वॉज द मिशन बेसिकली। अब इसमें आगे देखा जो अपकमिंग मनोवर्स होंगे, इसरो प्लान फॉर ऑर्बिट मनोवर्स, मतलब इसमें 4 दफा अभी दिस इज गोइंग टू रिवॉल्व एंड देन इट इज गोइंग टू गो डाउन टू, मतलब अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू लैंड ऑन द मून सर्फेस ऑन 23rd of August। तो ये 4 ऑर्बिट जो होगा ना, 4 बार वहां पर दिस ओवरऑल रिवॉल्यूशन जो होगा वहां पर किया जाएगा, देन इट इज गो गेट टू गेट डाउन टू, और दिस लैंडिंग होगी वो होगी अगस्त 23 को 5:47 PM। मतलब नाउ इट इज गॉट एंटर्ड इन टू दिस लूनर ऑर्बिट एंड आफ्टर बींग देर, आफ्टर गोइंग थ्रू इट फॉर 4 टाइम्स, इट इज गोइंग टू लैंड ऑन मून ऑन 23rd of August, है ना। और एज ऑफ अगस्त 4 की बात की जाए तो अपना 2/3 करीब करीब जो पाथ है इसके द्वारा कवर कर किया जा चुका है, मतलब कंप्लीट लेंथ ऑफ द जर्नी जो उसकी बात करें तो उस लेंथ ऑफ द जर्नी में से 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ दैट पार्ट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, उसको किया जा चुका है, वो कवर यहाँ पर हो चुका है। और बाकी फिर उसमें डिटेल पुराना दिया हुआ है कि प्रीवियस अटेम्प्ट किया गया था, इट वॉज दी थर्ड टाइम इसमें जो ये जो बोला चाहिए ना, दिस मिशन हैज बीन अकम्प्लिश, पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, नाउ इट इज थर्ड टाइम एंड वी ऑल नो इट इज गोइंग टू बी 4th कंट्री अगर हम अचीव कर पाते हैं। सो ओनली US, रशिया एंड चाइना अकम्प्लिश सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इफ यू आर एबल टू डू इट तो वी विल बी द 4th नेशन, चौथे देश होंगे जो ये अचीव कर पाएंगे। तो दिस गोइंग टू बी ओनली 4th नेशन इन टाइम टू कम, क्लियर। दिस मार्क इसरोज थर्ड कंसेक्यूटिव लूनर ऑर्बिट इंसर्शन एंड इसके अलावा एक मार्शियन ऑर्बिट इंसर्शन भारत द्वारा किया जा चुका है। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 एंड उसके अलावा मार्शियन जो किया गया था, राइट। तो दिस वॉज 4th। तो चौथी दफा हम लोगों ने किसी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी बात की जाए ना, तो वहां पर दिस इंसर्शन हैज बीन डन बाय आर नेशन, ये चौथी बार हुआ। मतलब 2008 का चंद्रयान 1 हुआ, उसके बाद में 2019 में चंद्रयान 2 किया गया था एंड नाउ दिस, एंड मार्शियन ऑर्बिट की जब बात करें तो दैट वाज इन 2014, 2014 में उसको किया गया था। तो दीज आर द 4 ओकेजन्स वेर इन सम फॉरेन सेलेस्टियल बॉडी के ताल्लुक में हमारे द्वारा दिस इंसर्शन जो है, ऑर्बिट इंसर्शन जो है, वो सक्सेसफुली कराया गया है। तो दिस वॉज द फर्स्ट न्यूज, इंपॉर्टेंट वन, और इसका जो कल्मिनेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन 23rd of August, आई टोल्ड यू, शाम को 23rd ऑगस्ट को वी होपफुली इट इज गोइंग टू गेट अ सॉफ्ट प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन दी मून सरफेस, राइट। इसके बाद में हम बात करें तो सेकंड न्यूज टॉक्स अबाउट द इमरान खान गेट्स 3 ईयर जेल इन गिफ्ट केस एंड ही हैज बीन अरेस्टेड देयर, है ना। अब इमरान खान इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही हैज बीन फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, इनके द्वारा वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताया गया था। अब नॉर्मली यही होता है कि जब भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कोई भी पुराने राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, जो वहां के पुराने लीडर्स होते हैं, उनके वंस दे गेट दिस पोजिशन तो दे मे से कि दे एंजॉय दे वर्क, मतलब दे गवर्न, बट वंस दे लूज द पोस्ट देन दे उनका जो होता है ना, एक बड़ा बुरा समय स्टार्ट हो जाता है। सेम इज बीइंग हैपन विद मिस्टर इमरान खान, इमरान खान के साथ भी एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग। जब वो वहां के प्रधानमंत्री नहीं रहे तो उनके अगेंस्ट कई सारे केसेस हो रहे हैं और ये केस तो अपने आप में जन्म, यस बेटा, देयर सो मेनी सुकृति, या नाउ आई कुड लिसन टू यू, वॉइस इज वेरी लो, ओके, मतलब आ तो रही ना, चलिए ठीक है, आई स्टार्ट शाउटिंग नाउ, डोंट वरी, आएगी आवाज आएगी बेटा, थोड़ी डोंट वरी, आवाज आ जाएगी। डेट टाइम नॉर्मली अभी न्यूज के ताल्लुक में याद रख लीजिए, बेसिकली तो हमको ये ध्यान रखना है कि बिगनिंग कब हुई थी और जब ये मिशन एंड कब हुआ था, बाकी बेसिक बीच में इंटरमीडिएट न्यूज है, तो कभी इंपॉर्टेंट कोई टर्म आ जाती है या कोई पैसे जैसा आता है जिसमें बेसिक इंटरमीडिएट कोई आती है, क्योंकि आपके देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइंट तो वहां पर पैसे जा सकते हैं, तो इंटरमीडिएट अगर कुछ रहा इसलिए वहां पर आपको बता दिया गया। बाकी तो बेसिकली हमको पूरा मिशन जो है ना वो क्लैरिटी से याद रखना है कि कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, हाउ इट वेंट, ओवरऑल सक्सेस कितना रहा, हमारे पुराने मिशन की डेट क्या रही है, डेट मतलब ईयर क्या रहे हैं, वही सब हमको बेसिकली इसके अंदर याद रखना है। होपफुली आई एम ऑडिबल नाउ। तो आई वॉज सेइंग कि पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष की बात करें तो एक बार उनका गवर्न जो उनकी एक बार पदवी जाती है
तो उनके बाद उनके बुरे दिन स्टार्ट होते हैं, सेम गोज विद मिस्टर इमरान खान। इमरान खान के केस में देखा जाए तो केस ऐसे बनता है कि उनके द्वारा कुछ गिफ्ट लिए गए थे, जो व्हेन ही वेंट टू वेरियस फॉरेन विजिट्स। तो जब ये जो सऊदी वगैरह की यात्रा पे गए थे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए तो उनको कई सारे गिफ्ट दिए गए। अब पाकिस्तान में ऐसा है कि 1974 में वहां पर ये तोशाखाना सिस्टम एक लाया गया था। तोशाखाना सिस्टम का मतलब होता है कि यदि कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या प्रेसिडेंट और एनी ऑफिसर ऑफ इन देयर, इफ दे गेट एनी 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 गिफ्ट फ्रॉम अदर कंट्री, दे नीड टू सबमिट, दे नीड टू गिव दिस गिफ्ट इन टू दिस तोशाखाना, और वहां से उनको रियायती दरों पर, मतलब कम रेट पर, दे कैन बाय इट फ्रॉम इट, मतलब टेक अ गिफ्ट, टेक इट टू तोशाखाना, सबमिट देयर, एंड इफ यू वांट टू बाय इट, यू कैन बाय इट एट लोअर रेट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान द्वारा कई सारी ऐसे गिफ्ट ली गई, उनको जमा तो उन्होंने किया, कम उस दरों पर उन्होंने लिया भी, कुछ तो जमा नहीं किया, कुछ जमा किए कम दरों पर लिए, और उसको बड़े हायर रेट्स पर उनके द्वारा बेच दिया गया, और उसका उसका डिटेल नहीं बताया गया। तो इस पूरे के पूरे इशू में उनके द्वारा एक तरीके से ग्राफ्ट किया गया, एक घोटाला किया गया, वेर इन ही सोल्ड ऑल दीज आर्टिकल्स एट अ वेरी हायर रेट, एंड ही डिड नॉट मेंशन इन डिटेल, उसमें उसको उनके द्वारा मेंशन नहीं किया गया, तो उनकी जो अर्निंग में उसको मेंशन नहीं किया, तो दैट्स कंप्लीट स्कैम इज रिजल्टिंग इन द अरेस्ट ऑफ मिस्टर इमरान खान। तो इसमें हम देखें तो पहले तो तोशाखाना सिस्टम क्या है, इसमें स्टेट डिपॉजिटरी फॉर द गिफ्ट, जो भी गिफ्ट मिलेंगे इनको स्टेट को, अपने देश को इनको डिपॉजिट करना पड़ेंगे, और इसमें कंगारू कोर्ट वर्ड यूज किया गया। कंगारू कोर्ट वो कोर्ट होता है जहां पर जो अनऑफिशियल कोर्ट जैसा एक माने, बाय ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू ट्राई समवन रिगार्डेड स्पेशली विदाउट गुड एविडेंस और गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब वहां पर एक कंगारू कोर्ट, मतलब ऐसा कोर्ट जहां जिसकी कोई मान्यता अपने आप में नहीं है, कोई अपने आप में एस्टेब्लिश कोर्ट नहीं है, बट उनके द्वारा गलत फैसले एक तरीके से लिए जाते हैं, तो अनऑफिशियल कोर्ट गिविंग सम जिसको बोलना चाहिए क्राइम में लोगों को उसके अंदर सजा दी जाती है, वो अपने अपने ऑफिशियल कोर्ट नहीं होता, नॉर्मली सजा गलत दी जाती है, उसको कंगारू कोर्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें तो फॉर्मर पीएम पाकिस्तान गॉट अरेस्टेड ऑन 5 अगस्त फॉर 3 ईयर्स इन जेल एंड अ फाइन ऑफ 1,000 पाकिस्तानी रुपीज बाय एन इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट। अभी भी वहां पर ट्रायल कोर्ट में हुआ है, तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू गो टू देयर सुप्रीम कोर्ट, तो केस उनके सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, और केस का नाम क्या है, तोशाखाना केस, इसमें इनको अरेस्ट किया जा चुका है। तो फॉर 3 ईयर्स अगर इस जेल को देखें तो 3 साल की सजा हुई है, 1 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए इनको जुर्माना देना देना पड़ा है, और केस इज रिलेटेड टू तोशाखाना। इसमें चार्ज क्या है, ही वाज चार्ज विद चीटिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द गिफ्ट्स फ्रॉम तोशाखाना। ही एलिजिबली यूज दिस टर्म 2018 से 2022 के बीच में ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, राइट। इस दरमियान ही गॉट मेनी गिफ्ट, तो ही सम तो उन्होंने छुपाए गए, कुछ इनके द्वारा सबमिट किए गए, और वो सबमिट करके कम जिसको डिस्काउंटेड रेट पर इनके द्वारा बाय किए गए, और उसके बाद में उनको बेच दिया गया है ना, और उसमें टोटल जो वो विजिट्स, टोटल अगर उसकी वैल्यूएशन देखा जाए ग्राफ का, तो 140 मिलियन, 140 मिलियन, मतलब तो उसको ऐसे देखें तो इट इज लाइक 14 करोड़ करीब करीब है ना, 14 करोड़, 140 मिलियन मतलब 14 करोड़, 14 करोड़ का ओवरऑल घोटाला उनके द्वारा ये किया गया, राइट। और इसमें एक होली काबा एडिशन ग्राफ, एक बड़ी जो वॉच होती है, लग्जरी वॉचेस जो होती हैं बेसिकली, वो इनको जो प्रिंस ऑफ, जो सऊदी अरब के प्रिंस है ना, मोहम्मद बिन सलमान MBS, वो उनको, उनके द्वारा इनको एक गिफ्ट दिया गया था, ये गिफ्ट उनके द्वारा बेच दिया गया, राइट। और इस पूरी कहानी में इशू ये है कि जो पैसा इनके द्वारा अर्न किया गया उसका इन्होंने अपने कई डिटेल में जिक्र नहीं किया, दिस मच बी अर्न, ऑब्वियसली अर्न बाय द रॉन्ग मीन्स ना, तो उनके द्वारा ये अर्न किया गया पैसा, बट उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया, उनके अगेंस्ट में फिर ये ग्राफ का केस बना हुआ है, एंड ही हैज बीन जेल्ड देयर, राइट। ड्यू टू कन्विक्शन खान विल बी इनिजिबल फॉर कंटेस्टिंग पोल, जैसे हमारे यहाँ होता है कि अगर किसी को कन्विक्ट कर दिया गया तो फिर वो इनिजिबल रहेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो नाउ इनको जब कन्विक्शन हो चुका है, तो जब तक वो स्टे नहीं लगता है, या जब तक कि ये जिसको बोलना चाहिए एक्विट नहीं किए जाते हैं, तब तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो अभी वहां पर चुनाव होने वाले हैं पाकिस्तान में, उसमें ये शरीक नहीं हो पाएंगे। दूसरा, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अध्यक्ष हैं, ही विल नो मोर बी इन पोजिशन टू गवर्न हिज पार्टी, अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं रह पाएंगे, तो दीज आर द रिपरकशन, और यही रीजन है कि उनको केस हुआ। अब जब तक बरी नहीं होते, तब तक चुनाव अगर हो जाते हैं, तो ही विल नॉट बी एबल टू फाइट द इलेक्शन। दैट इज वाई आई से कि जब इनके 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 जो पावर चली जाती है, तो वहां जो भी राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी रहे, उनके बुरे दिन स्टार्ट होते हैं। दैट इज वॉट इज हैपनिंग विद मिस्टर इमरान खान। अब इनके द्वारा ये बोला गया है कि हमने इसको डिस्क्लोज तो किया है, बट वो नाम नहीं दिया गया, हमने तोशाखाना ना टैग नहीं दिया है, तो उनके लॉयर ने कहा था केस वॉज फाइल्ड मेयरली बिकॉज दे डिडंट लेबल द गिफ्ट एज तोशाखाना। हमने सब कुछ सही किया है,
बट वी डिड नॉट लेबल द गिफ्ट एज तोशाखाना, दैट इज द रीजन जो ये केस अपने आप में बनता है. और हमें जिस तरीके से कोर्ट की सजा दी गई है, इट इज लाइक अ कंगारू कोर्ट, एन अनऑफिशियल कोर्ट गिविंग द रॉन्ग वर्डिक्ट, उनके द्वारा ये बोला गया. इसमें एक व्यक्ति का नाम इसमें आता है राणा अब्रार. राणा अब्रार के द्वारा इस केस को परस्यू किया गया था कि दिस इज अ ग्राफ्ट विच इज बीइंग कमिटेड बाय मिस्टर इमरान खान. और जब ये केस उनके अगेंस्ट परस्यू किया गया तो उनको उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही थी, उनको जॉब कई सारी उनकी उनको छोड़नी पड़ी, उनको उनको धमकियां दी जा रही थी. बट ही परस्यूड दैट केस एंड अल्टीमेटली इट इज इमरान खान इज गेटिंग दिस पर्टिकुलर, जिसको बोलना चाहिए, इनके अगेंस्ट में सेंटेंसिंग हुई. राइट, अब इसके आगे बढ़े हैं तो देखिए कुछ न्यूज ऐसी होती है जिसकी डिटेल की आवश्यकता नहीं, केवल आपको पढ़नी है, बिकॉज दे मे बी आस्क्ड एज वन लाइनर्स, है ना. तो वन लाइनर के ताल्लुक में छत्तीसगढ़ सीएम ट्रांसफर 15 करोड़ इन गोधन स्कीम, है ना. तो एक गोधन स्कीम जो है वहां पर लॉन्च की गई थी, जिस मतलब वहां पर सपोर्ट के लिए लॉन्च की गई है इन छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ की स्कीम है गोधन स्कीम, लॉन्च बाय देयर चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई थी. मिस्टर भूपेश बघेल ने इसको लॉन्च किया और रिसेंटली उसके अंतर्गत 15 करोड़ रुपए इनके द्वारा ट्रांसफर किए गए, है ना. तो 2020 की स्कीम है, 2020 में लॉन्च की गई थी, रिसेंटली इस ट्रांसफर 15 करोड़ रुपीज, एंड इसमें 2 रुपीज पर kg गोधन जो होता है वो इसमें यूज किया जाता है, उसमें खरीदा जाता है. राइट, अब आगे बढ़े तो दैट इज अनदर न्यूज, इसकी भी डिटेल की आवश्यकता नहीं है, वन लाइनर में कभी आता है, ध्यान रखें. 130 ईयर ऑफ ओल्ड पैलेस इन केरला इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज मॉन्यूमेंट. 130 वर्ष पुराना एक पैलेस है ना, 130 ईयर ओल्ड कुट्टिकनम दिस पैलेस, वन समर रेसिडेंस ऑफ किंग्स ऑफ अरसलाई त्रावणकोर, नाउ दैट पर्टिकुलर पैलेस इज बीइंग कन्वर्टेड टू अ मॉन्यूमेंट, है ना. सो इट इज इन केरला, इसे आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल वन लाइनर के हिसाब से काम का है अभी. फिर कर्नाटक सीएम द्वारा वहां पर फ्री पावर स्कीम लॉन्च की जा रही है. तो कर्नाटक इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, वहां पर शक्ति स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके थ्रू द वुमेन आर गिवन दिस, जिसको बोलना चाहिए, राइट टू ट्रेवल फ्री इन द बसेस इन इन कर्नाटका. और उसके अलावा दिस फ्री पावर सप्लाई स्कीम इज बीइंग लॉन्च बाय सीएम. तो ये भी वन लाइनर स्टेट न्यूज के हिसाब से आप इसको ध्यान रख सकते हैं. देन वी कम टू अनदर न्यूज, मिस्टर डोवाल, मिस्टर अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ही इज गॉन टू जेद्दा. जेद्दा इज इन यूएई, है ना. तो यूएई के जो प्रिंस हैं उनके द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है ना, मोहम्मद बिन सलमान द्वारा ये जो मीट है इसे होस्ट किया जा रहा है. तो आर एनएसए इज गॉन टू यूएई टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. और ये कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है, टू गेट सम रेजोल्यूशन, सम पीसफुल रेजोल्यूशन, सम डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर. बट इसमें समझिए कि इसमें रशिया को इन्वाइट नहीं किया गया, रशिया हैज नॉट बीन इन्वाइटेड इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, दो दिस यूक्रेन रिप्रेजेंटेटिव इज गोइंग टू बी देयर, आर एनएसए इज गॉन देयर, है ना, एनएसए ऑफ यूएस इज गोइंग टू बी देयर, बट दी रशिया हैज नॉट बीन इन्वाइटेड. रशिया हैज टोल्ड कि दो आई एम नॉट इन्वाइटेड बट आई एम क्लोजली लुकिंग एट द डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग ओवर देयर. तो दिस अ पीस कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन जेद्दा, जेद्दा इज इन यूएई. तो मिस्टर अजीत डोवाल आर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज इन जेद्दा टू पार्टिसिपेट इन पीस कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, है ना. तो इस कॉन्फ्लिक्ट पर ये पीस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें अटेंड कौन करने वाला है, पहले तो होस्टेड बाय देयर प्राइम मिनिस्टर एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. मोहम्मद बिन सलमान को शॉर्ट में एमबीएस कहा जाता है. राइट, सो उनके द्वारा इसे होस्ट किया गया है. इसमें प्रोमिनेंटली यूएसए वहां के एनएसए जैक सुलिवन, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, हमारे अजीत डोवाल, उनके जैक सुलिवन, उनको बुलाया गया है. चाइनीज स्पेशल एनवॉय बीन देयर एंड यूक्रेन प्रेसिडेंशियल ऑफिस के वन रिप्रेजेंटेटिव इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर, बट रशिया हैज नॉट बीन इन्वाइटेड. दे आर गोइंग टू लुक एट, मतलब ये पूरा उसको क्लोजली मॉनिटर करने वाले हैं, है ना. गोल क्या है, गोल यही है कि इसमें कोई प्रॉपर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका लाया जाए. और इस सोल्यूशन में दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट पीपल हु आर फ्रॉम ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ का मतलब होता है कि हम लोग जब साउथ सदर्न अमेरिका की बात करते हैं, अफ्रीकन नेशंस की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात करते हैं, हमारे ये साउथ ईस्ट एशियन की बात करते हैं, तो ये सारे देश जो होते हैं ना ये ग्लोबल साउथ को बिलोंग करते हैं. मैक्सिको ग्लोबल साउथ नहीं है बट मैक्सिको भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. तो कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, दे हैव बीन इन्वाइटेड देयर. राइट, और ये कोशिश की जा रही है कि ये देश जो अभी तक न्यूट्रल रहे हैं, जिनके द्वारा कोई किसी पर्टिकुलर ग्रुप को अभी तक, जिसको बोलना चाहिए ना, हेल्प नहीं की गई है या उसका पक्षपात नहीं किया गया है, उन देशों को बोला जा रहा है कि यू नीड टू कम एंड यू नीड टू प्ले अ एक्टिव रोल नाउ, बिकॉज वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट नाउ. पीपल आर विद रशिया, पीपल आर विद, सम आर विद यूएस, यूएस के तो नाटो कंट्रीज, पूरे यूरोपियन देश एंड नॉर्थ अमेरिका, बट यहाँ पर जो न्यूट्रल रहे देश उनको बोला जा रहा है कि यू नीड टू पार्टिसिपेट नाउ, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, आपको प्रोसेस में सोल्यूशन लाने की कोशिश करनी है. तो दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग, दे आर इन्वाइटेड देयर. यूएस एम्फसाइज यूक्रेन सेंट्रल रोल इन डिप्लोमेटिक सोल्यूशन.
यूएस बोलता है कि भाई यूक्रेन की बात मानी जानी चाहिए, उनका सेंट्रल रोल है, उनको अलग रख के हम बात नहीं कर सकते हैं। वेल यूक्रेन फोर्सेस ऑन गार्निंग सपोर्ट, ग्लोबल सपोर्ट एम्फसाइजेस डिजायर टू पुल आउट द रशियन दिस ट्रूप्स। मतलब यूएस बोलता है यूक्रेन को, यूक्रेन की बात माने, यूक्रेन का सेंट्रल पार्टी उन पर अटैक हुआ है, यूक्रेन बोलता है कि यस हमारे पर अटैक हुआ है, हम हमको इन रशियन ट्रूप्स को यहाँ से हटाना है, एंड वी नीड दी ग्लोबल सपोर्ट फॉर दैट। तो उस ताल्लुक में दे आर ट्राइंग टू गार्नर द सपोर्ट ऑफ द नेशंस हु हैव बीन नॉर्मली न्यूट्रल टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया सपोर्ट डिप्लोमेटिक डिस्कशन एंड डायलॉग ए सोल्यूशन। इंडिया ने अभी भी किसी पर्टिकुलर उसमें बात नहीं की कि वी आर सपोर्टिंग रशिया और वी आर सपोर्टिंग यूक्रेन। इंडिया इज स्टिल सेइंग मेंटेनिंग दैट लाइन वेयर इन वी आर सेइंग कि वी वांट अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन फॉर दिस। हम चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर इसे बातचीत के द्वारा कुछ फैसला लिया जाए, है ना। अब इसके अलावा व्हाई मिस्टर दोवाल इज गॉन देयर, बिकॉज अभी ब्रिक्स समिट जो होने वाली है साउथ अफ्रीका में, G20 जो होने वाली हमारे देश में, तो इन समिट्स में किसी पर्टिकुलर मतलब जो मुद्दे हैं बेसिकली जो वहां पर चीजें आगे आने वाली हैं उन पर प्रॉपर कंसेंसस क्रिएट किया जा चुके हैं, इसलिए मिस्टर डोवाल हैज गॉन देयर। तो ये दो पॉइंट अब लास्ट के देखें तो दो पॉइंट ये बताते हैं कि बिकॉज ऑफ ब्रिक्स समिट एंड G20 देयर इज अ नीड फॉर इंडिया टू मेक पीपल कम एट द टेबल एंड कम टू सम कंसेंसस, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस मिस्टर डोवाल जो है वह जेद्दा गए हुए हैं, राइट। विद दिस वी कम टू पेज 9 में देखें तो कोर्ट ग्रांट्स 4 वीक्स टू फिनिश द ज्ञानवापी सर्वे। 4 हफ्ते का ज्ञानवापी सर्वे में जो सर्वे हो रहा है ना बेसिकली वहां पर उसको फिनिश करने का, खत्म करने का कोर्ट द्वारा जिसको टाइम दिया गया है, तो 4 हफ्ते यहाँ पर दिए गए हैं, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट फॉर मेनी वेज, इसमें बोला गया है ऑर्गन शॉर्टेज कंटिन्यूज टू कॉस्ट लाइव्स इन आर कंट्री। इसमें ये बताया गया है कि हाउ मच डिस्पेरिट इज देयर बिटवीन दी ऑर्गन रिक्वायरमेंट, है ना, और ऑर्गन जिसको बोला सप्लाई जो किया जाता है, सप्लाई इन द सेंस की वेन पीपल डोनेट द ऑर्गन, या कि जो मृत शरीर होते हैं कैडेवर जिनको कहा जाता है वो डोनेट किए जाते हैं, तो उससे कितने लोगों को लाभ हो सकता है, बट देन अमाउंट जो है ना जितने लोग मतलब जितना डोनेशन होता है ऑर्गन डोनेशन और जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इट इज लाइक ओनली 10% रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में पूरी होती है फॉर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन, तो वो यहाँ पर कंप्लीट बताया गया है। मेंटी क्विज नहीं होगा रे बेटा, मेंटी क्विज वी आर गोइंग टू टेक टुमारो, अभी तो हमारा इसका क्विज होगा और मेंटी ना कल ले लूंगा मैं, बिकॉज एनीवे 2 लेक्चर हैं आज, इसके बाद में अपना आज का लेक्चर भी है, सो मेंटी क्विज आई कुड नॉट प्रिपेयर, आई विल बी टेकिंग टुमारो ओनली, बट आज में लास्ट में क्विज होगा अपना जो उस दिन डिस्कशन किया था ना वो क्विज मैंने इंक्लूड किया हुआ है। कंगारू कोड इज नॉट मतलब कंगारू कोड इज समथिंग जिसको कोई बेस ना हो, जिसके जजमेंट जो होते हैं ना बहुत ज्यादा प्रिजुडिस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा टिल्टेड होते हैं, तो उनको बोला जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर यूज क्या किया है, कैडावर का मतलब होता है कैडावर, या कैडावर उसको बोले, इट्स अ डेड ह्यूमन बॉडी, मृत शरीर जो होता है ना उसको कैडावर बोलते हैं, और उसका भी डोनेशन किया जाता है, तो उसके डोनेशन से जितने भी ऑर्गन्स यूजफुल ऑर्गन्स होते हैं वह अगर डोनेट किए जाए तो कई लोगों की जान उससे बच सकती है ना। फिर पैसिव यूथनेशिया एक वर्ड यूज किया गया, इट इज पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू अलाउ अ पेशेंट टू डाई नेचुरली, मतलब कई बार जो सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है ना उसको विड्रॉ कर लिया जाता है विद कंसेंट, राइट, तो उसको पैथिव यूथनेशिया कहा जाएगा। मतलब कि समबडी इज ऑन लेट से जो जो सिस्टम होता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, एंड इट इज करीब करीब लाइकली कि द पर्सन मे नॉट सर्वाइव इन टाइम टू कम, है ना, तो फिर हो सकता है कि विद कंसेंट ऑफ फैमिली एंड जो भी रिलेटेड पार्टीज होते हैं उनको अगर वो हटा लिया जाता है ट्रीट सपोर्ट, तो उसको विड्रॉल और मेडिकल ट्रीटमेंट टू अलाउ पेशेंट टू डाई नेचुरली इज कॉल्ड पैसिव यूथनेशिया, उसको बोला जाता है। तो दीज आर द टू वर्ड्स यूज्ड हियर, इसमें पॉइंट देखें तो पहले तो ये जो पूरा आर्टिकल है यानी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको इत्मीनान से पढ़िएगा। दिस कंप्लीट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ऑर्गन डोनेशन क्राइसिस। वो क्राइसिस क्यों है, क्योंकि ओनली 10% रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती है, और दूसरी समस्या ये है कि लोग प्लेश तो बहुत लेते हैं, लोग बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि भाई हम बिल्कुल हम लिख कर दे रहे हैं और प्लेज लेते हैं और कि हमारा शरीर जो है वो दान किया जाए, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना उस पर्टिकुलर जब वो घटना होती है वो जब मृत्यु होती है उसमें कई सारे इमोशंस हावी होते हैं, और उस ताल्लुक में कई बार वो जो प्लेज भले ली भी जाए ना तो उस पर खरे नहीं उतरे जाते हैं, उसको उसको ना किसको बोलना चाहिए, वो कल्मिनेशन पर नहीं आता है, वो इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं आता है। तो लास्ट में इसमें बोला भी गया है कि देयर आर पीपल हु टेक प्लेज बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेकिंग द प्लेज इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंस, वो होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए तो इंडिया इज ओवर 3 लाख पेशेंट्स वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 3 लाख लोग जो है वो वेट कर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, अप्रोक्सीमेटली 20 पीपल डाई एवरी डे वेटिंग फॉर द ऑर्गन, मतलब प्रत्येक दिन 20 लोगों की मृत्यु होती है बिकॉज दीज पीपल आर दोज हु आर वेटिंग फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट उनको अवेलेबल नहीं है, किया नहीं जा रहा है,
जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा। और ये केवल भारत की स्थिति नहीं है, ये दुनिया भर में इसी तरीके से स्थिति है कि हर देश में ऐसी स्थिति है। स्पेन एंड यूएस आर टू कंट्रीज यहाँ दिया गया जहां स्थिति हमारे से बेहतर है, बट हमारे यहाँ पर इट इज वेरी पिटी, मतलब वेरी कंसर्निंग है, इसको बोलना चाहिए, राइट? तो वेटिंग फॉर द 20 पीपल डाई एवरी डे वाइल वेटिंग फॉर एन ऑर्गन, डोनर्स ग्रो फ्रॉम 6916, मतलब 2014 की बात करें तो 2014 में करीब करीब 7,000 डोनर थे, जो उसके 3 गुना, मतलब 2 गुना के ऊपर हो चुके हैं, 16,000 के करीब हो चुके हैं, है ना, मोर देन 2 टाइम्स इन ईयर 2022। स्टिल दिस कंप्लीट फिगर, जो पूरा कंटेंट दिया गया है ना पूरा, जो अगर हम बात करें टोटल वैल्यू की बात भी करें तो इट इज ऑन अ वेरी लोअर साइड। ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, इट इज ऑन अ वेरी लोअर साइड। एंड बट इन एवरी 10 मिनट्स 1 पर्सन इज एड टू द वेटिंग लिस्ट। अब इतनी बड़ी लिस्ट है, इसको बोला जाए ना, उसमें 2 लाख कितने देयर बीइंग गिवन 3 लाख पीपल अराउंड वेटिंग, एंड उसमें हर 10 मिनट में एक व्यक्ति जो है वो इस लिस्ट में बढ़ जाता है, बट जो डोनर है वो नहीं बढ़ते हैं, है ना? तो उसमें देखा जाए तो उसमें मिनिस्ट्री ने कई सारी कोशिशें की है। अगर आप देखें तो इट इज बीन प्रोवाइडेड ओवर देयर बीन सो मेनी दिस क्या बोलना चाहिए स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय मिनिस्ट्री, दिस पार्ट हैज बीन गिवन। द डोमेसाइल रूल, जो निवासी मूल निवासी वाला जो इशू होता है, रिमूवल ऑफ एज बार हटा दी गई है ना फॉर रजिस्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ फी फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन एलिमिनेटेड, राइट? इजिंग रूल्स फॉर विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट, जिसको यूथनेशिया जो बोला गया है ना, देन फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट अक्रॉस द कंट्री, और गिविंग स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट इफ दे आर गोइंग फॉर दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, है ना, ऑर्गन डोनर। तो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट द्वारा कई सारे प्रयास किए गए, जब यहाँ बोला गया ना कि मिनिस्ट्री हैज डन अ लॉट, दे हैव टेकन लॉट ऑफ मेजर्स, राइट? रिमूविंग डोमेसाइल रूल, इजिंग लाइफ सपोर्ट विड्रॉल, बट दीज मेजर्स आर नॉट सफिशियंट, दीज मेजर्स आर स्टिल इनसफिशियंट लुकिंग एट दिस कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, है ना? अब इसको हम लोग अगर इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करें तो इसमें बोला गया है कि हमारे यहाँ पर 1 डोनर पर मिलियन, हर 10 लाख लोगों पर एक डोनर होता है। मतलब एक बड़ी सिटी की बात कर ली जाए जिसमें 30 लाख लोग वहां रहते हैं, तो वहां पर केवल 3 डोनर पाए जाएंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी कंसर्निंग। यहाँ पर बोला गया 1 डोनर पर मिलियन फॉर द लास्ट डेकेड, राइट? द टारगेट इज टू रीच 65 डोनेशन पर मिलियन। मतलब देखिए रिक्वायरमेंट में और सप्लाई में कितना बड़ा फर्क है। 1 डोनर पर मिलियन, हर एक 10 लाख लोगों पे एक मिल रहा है, जबकि हर 10 लाख लोगों पर 65 होने चाहिए, 65 टाइम्स होने चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने जैसे कहा आपसे, यूएस और स्पेन आर टू कंट्रीज वेर इन 30 to 50 डोनेशन पर मिलियन होते हैं। दीज डोनेशंस आर लीडिंग इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। उसके उसके रीजन हमारे यहाँ पर, जो मैं आपसे कहा ना, हमारे यहाँ पर जो प्लेज ली जाती है वो कई बार इंप्लीमेंट नहीं होती है हमारे, कुछ हद तक जिसको बोलना चाहिए अभी सपोर्ट का अभाव है, लोगों को काउंसलिंग करवाने की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो डोनेशंस इन इंडिया इन 2022, बोले तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, और ये डेटा पूरा कंप्लीट अगर देखें तो यहाँ पर आप इस आर्टिकल में कंप्लीट डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड। ये देखिए यहाँ से लेकर आप बढ़े तो दिस कंप्लीट टाइम अगर देखेंगे तो पूरा डेटा बताया हुआ है कि व्हाट इज द प्रेजेंट रेट के देखें तो इंडिया सॉ 1589 किडनी, 761 लीवर एंड 250 हार्ट ट्रांसप्लांट इन डिजीज कैटेगरी। ये किसकी बात की जा रही है? ये डिजीज कैटेगरी मतलब समबडी हु डाइड और उसके बाद में उनका मृत शरीर जो होता है उसका डोनेशन कर दिया जाए, तो उस केसेस में दीज मेनी दिस मस्ट काउंट इज बीन गिवन। देन किडनी एंड पेंक्रिया ट्रांसप्लांट इंक्रीज फ्रॉम 3 in 2014 to 22 in 2022। ये बात की गई है डिजीज कैटेगरी की। जो लाइव की बात करते हैं, है ना, अलाइव डोनर्स, लिविंग डोनर्स जिनको बोलते हैं, तो लिविंग डोनर्स किडनी ट्रांसप्लांट वेंट फ्रॉम 4884 to 9834, मतलब बड़ा है, डबल हुआ है। लिवर ट्रांसप्लांट 1000 to 3000 के अराउंड। एनुअल डिमांड 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की होती है, और केवल अराउंड जो हम बात की गई ना, 9 ये और इधर मिला करके करीब करीब 10,000 डोनर जो है मिलते हैं, तो मतलब 1/20 इसको मान के चलिए वो रेशो यहाँ पर दिखता है। और इसमें भी मोस्टली जो बोला गया ना, इसमें मोस्टली जो महिलाएं हैं, वाइफ्स, सिस्टर्स, मदर्स, है ना, सिस्टर्स, दे आर डोनेटिंग। तो यहाँ पर क्लोज रिलेटिव जो होते हैं ना नॉर्मली वही डोनेट कर रहे हैं, वहां पर जो वॉलंटरी होते हैं लोग जो होते हैं जिनको डोनेट करना चाहिए उस लेवल पर, हम लोग के यहाँ पर अभी तक दैट अवेयरनेस इज नॉट देयर, उतनी अवेयरनेस हमारे यहाँ पर अभी नहीं आई है। दूसरा, वन कैडावर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स एंड वन टिश्यू डोनर के सेव अराउंड 75 पीपल, है ना? अब एक जो मृत शरीर होता है, एक जो कैडेवर होता है, उससे 8 जीवन बच सकते हैं। और एक टिश्यू डोनर की बात करें तो टिश्यू डोनर में देखिए कि टिश्यू डोनर में यहाँ पर बताया गया व्हाट अ टिश्यू डोनर है ना, समवन हु कैन डोनेट बोन, टेंडॉन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, कॉर्निया, हार्ट वॉल्स, वेसल जो होते हैं, ये जब डोनेशन किया जाता है तो एक व्यक्ति से 75 व्यक्तियों को इसमें फायदा होगा। 75 पीपल कैन बी
हेल्प विद दिस रिगार्ड, है ना, तो उसको टिश्यू डोनर बोला जाता है। नीड फॉर मेडिकल स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल द काउंसलिंग जो होनी चाहिए ना, व्हेन पीपल आर मेड टू रियलाइज दैट दिस इज समथिंग विच इज वेरी नोबल, दिस समथिंग विच इज वेरी यूजफुल, बेसिकली इट कैन हेल्प सो मेनी पीपल, इवन आफ्टर यू डाई यू आर गोइंग टू बी अलाइव थ्रू दीज मीन्स, है ना, सो दैट कैन हेल्प पीपल, राइट। तो देर इज अ कॉल फॉर मेडिकल स्टाफ टू रिकॉग्नाइज एंड काउंसिल फैमिलीज ऑन ब्रेन डेथ एंड ऑर्गन डोनेशन, मतलब जो जो ऐसे लोग होते हैं ना, ब्रेन डेथ मतलब मान के चलिए कि इज इन कोमा और मे नॉट बी एबल टू रिटर्न, तो इन दोज केसेस वो ट्रांसप्लांटेशन की जब बात की जाए या डोनेशन की बात की जाए, तो उनके लिए लोगों को आगाह करना, अवेयर करना, ये मेडिकल स्टाफ की उसमें रिक्वायरमेंट है कि पीपल शुड बी एबल टू कन्विंस एंड काउंसिल दोज पीपल, राइट, हु कैन गो फॉर डोनेशन। अब राइजिंग अवेयरनेस तो हमारे यहाँ बढ़ रही है एंड दे हैव बीन गिवन द डिटेल्स, वेर इन तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में जो ये डिजीज सबसे ज्यादा जो है डोनेशन ऑर्गन डोनेशन जो है यहाँ पर होता है, तो मिनिस्ट्री शोर दैट लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजीज ऑर्गन्स कम फ्रॉम तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गुजरात, महाराष्ट्र। फिर जो मोस्ट नंबर ऑफ लिविंग डोनर्स होते हैं वो दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में होते हैं, एंड लार्जेस्ट नंबर की अगर जो मृत शरीर की बात की जाए, कैडेवर की जो बात करते हैं, दे कम फ्रॉम तमिलनाडु एंड तेलंगाना। सो दीज आर द स्टेट्स हु आर लीडिंग एंड देयर इज मोर इन टर्म्स ऑफ, जिसको बोलना चाहिए अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, जो प्लेज तो लोग बहुत करते हैं बट उस पर खड़े नहीं उतरते हैं, जिसको बोलना चाहिए, तो दैट इज ऑल समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो दिस वॉज अबाउट दी ऑर्गन शॉर्टेज विच इज देयर इन आर नेशन एंड ओवरऑल दुनिया भर में बोले तो 10% केवल जो है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोवाइड किया जा रहा है। इसे प्रॉपरली पूरा पढ़ लीजिएगा, टू सर्टेन एक्सटेंट आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू, दिस नोट्स आर देयर, बट स्टिल ट्राई टू रीड द कंप्लीट आर्टिकल, सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ओवर देयर, राइट। नाउ वी लुक एट दिस, अब यहाँ पर देखिए अगर न्यूज देखें वहां पर तो कुछ छोटी इमेजेस वहां दी जाती है, उसके साथ डिटेल दी जाती है, सो दिस इज समथिंग ध्यान रखना है। यहाँ पर बीजिंग में भी स्टॉर्म डॉक्सुरी हैज इट, राइट, और टेक्सस में जो वहां क्या हुआ था, यूएस में अभी दिस अबॉर्शन लॉज स्टिक कर दिए गए थे, बट टेक्सस जज ने टेम्परेरी लिफ्ट कर दिया अबॉर्शन लॉज को बिकॉज ऑफ सम मेडिकल क्राइसिस ओवर देयर। तो दीज टू न्यूज यू नीड टू गो थ्रू, शॉर्ट न्यूज इन गिवन ओवर हियर। फिर कंबोडिया में वहां के पीएम जो हुन सेन, जो वहां 40 वर्षों से फ्रॉम 1985 ही इज प्राइम मिनिस्टर, वो फिर से जीत गया। नॉर्मली इसमें यही कहा जाता है कि वो इसलिए जीते हैं कि उनके द्वारा ये पूरी की पूरी जो कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें फजिंग की जाती है, मतलब उसको उनके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो दैट इज वाई अगेन ही हैज वेंट ऑन टू विन द इलेक्शन, उनकी पार्टी द्वारा जीत लिया गया है, और इनके इनके द्वारा ये बागडोर, इनकी पूरी जो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज गोइंग टू बी गिवन टू हिज सन, इनके सन को, इनके बेटे को, इनके द्वारा ये बागडोर अब सौंपी जानी है आफ्टर अराउंड अराउंड 40 ईयर्स, मतलब 1985 से 38-40 ईयर्स की बात करें, तो अब जाके ही इज गोइंग टू हैंड ओवर द पावर टू हिज सन, है ना। देन इसके बाद देखें तो टीबी डिटेक्शन पर एक आर्टिकल यहाँ दिया हुआ है, और उसमें ये बोला हुआ है कि टीबी डिटेक्शन जिस पर्टिकुलर मेथड से हमारे यहाँ किया जा रहा है ना, दैट मेथड इज नॉट राइट, दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ पे स्मियर माइक्रोस्कोपी जो प्रोसेस यूज की जाती है, दैट इज नॉट समथिंग, क्योंकि उसमें कई सारे टीबी केसेस उसमें डिटेक्ट नहीं होते हैं, तो उस ताल्लुक में दिस आर्टिकल इज देयर। इसमें जो टर्म्स यूज की गई या जो बात की गई उसमें एक होता है रिमेफिसिन रेजिस्टेंस, दिस इज अ पर्टिकुलर ड्रग, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ टीबी बैक्टीरिया टू दिस एंटीबायोटिक ड्रग विच इज क्रूशियल फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटिंग टीबी। ये पहले ड्रग मतलब ड्रग इस्तेमाल की जाती है बट इस ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, मतलब जो अब टीबी केसेस जो आते हैं उसमें इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाए तो वो कारगर सिद्ध नहीं होता है, तो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हैज बीन डेवलप्ड। तो दिस ड्रग की जब बात की जाए तो इट इज द नेम ऑफ द ड्रग, है ना, जिसका जिसका रेजिस्टेंस अब टीबी केसेस में डेवलप किया जा चुका है, भाई बैक्टीरिया जो है ना वो इसका रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। दूसरा होता है जीन एक्सपर्ट, जीन एक्सपर्ट इज अनदर अल्टरनेट मेथड विच इज अ न्यू मेथड जिसके थ्रू टीबी का डिटेक्शन जो होता है वो सही होता है, प्रॉपर होता है, बेहतर होता है। तो रैपिड मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट डिटेक्ट्स टीबी एंड दिस ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो होता है उसको इसके द्वारा प्रॉपर तरीके से जिसको ना डिटेक्ट किया जाता है। जो हमारे यहाँ मेथड जो ये स्मियर माइक्रोस्कोप मेथड यूज होती है मोस्टली हमारे यहाँ 75 केसेस में, 75% केसेस में, उसमें ये ड्रग रेजिस्टेंस जो जो टीबी होता है वो उसमें डिटेक्ट नहीं किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो टीबी से ग्रसित पेशेंट तो है बट डिटेक्शन तब तक होता है तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं, मतलब अच्छे खासे समय बाद उसका डिटेक्शन हो पाता है। फिर एक होता है सब क्लिनिकल टीबी, अ स्टेट वेयर पेशेंट शो नो क्लिनिकल सिम्टम बट मे बी इंफेक्शियस। टीबी जो है ना वो कम्युनिकेबल डिजीज है, टीबी में इंफेक्शन होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में इंफेक्शन होता है, इसलिए उस पर कंट्रोल करना, उसको कवर करना, उसके अर्ली डिटेक्शन करना, उसका इलाज करना अपने आप में आवश्यक है। हमारे यहाँ पे टीबी के केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं बट भारत का टारगेट जो है वो 2030 SDG के थ्रू टारगेट है, हम लोगों ने उसको 2025 किया हुआ है,
राइट, बट देन बिकॉज ऑफ द रॉन्ग मेथड्स या ओल्ड मेथड, प्रिमेटिव मेथड उसको बोल दिया जाए, ऑब्सोल्यूट मेथड बोल दिया जाए, हमारे यहाँ पे डिटेक्शन रेट जो है वो कम है ना. तो देर आर नंबर ऑफ केसेस वेर इन पेशेंट शो नो क्लिनिकल सिम्टम्स बट स्टिल ही इज इन्फेक्शियस, तो उसको सब क्लिनिकल टीबी बोलते हैं. फिर आर एन टी सी पी का मतलब होता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका नाम बदल के अब नेशनल टीबी एलिमिनेशन मिशन कर दिया गया. तो आर एन टी सी पी ओल्ड प्रोग्राम एंड एन टी ई पी इज द न्यू प्रोग्राम, द न्यू रिप्लेस प्रोग्राम इज कॉल्ड एन टी ई पी, राइट. और इसमें हम डिस्कशन करें, सो अनडायग्नोस्ड टीबी की जब बात करें तो डब्ल्यू एच ओ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 शोज 40% ऑफ ऑलमोस्ट 10.6 मिलियन पीपल हु कॉन्ट्रेक्टेड टीबी इन 2021 वर अनडायग्नोस्ड, मतलब प्रीवियसली उनका जो डायग्नोसिस किया गया था तो वो अनडायग्नोस्ड पाए गए थे, बट देन लेटर ऑन गॉट टू नो जब सीवियर स्टेज आगे मालूम होती है तो उसमें इस मालूम पड़ता है कि 40% अनडायग्नोस्ड थे, है ना. और इनमें सबसे ज्यादा केसेस अनडायग्नोस्ड वाले जो हैं वो इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस से आते हैं. 67% ड्रॉप इन टीबी डायग्नोसिस इन 2020. अब ये 2020 में इनमें टीबी के जो केसेस की बात करें तो इनमें जो डायग्नोसिस था वो कम हुआ था, और उसका सबसे बड़ा रीजन माना जाए आगे तो कोविड-19 पेंडेमिक ग्रेटली अफेक्टेड नंबर ऑफ टीबी डायग्नोसिस नियर 2020 एंड 21, बिकॉज जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लॉकडाउन में तो नॉर्मल जिसको बोलना चाहिए ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम थी, तो उस केस में टीबी के ट्रीटमेंट की जब बात करें तो इनमें उसके डायग्नोसिस में कमी आई थी. तो 2020 और 2021 जो बोलना चाहिए, दीज वर द ईयर्स व्हेन इट वाज अ सेटबैक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल टीबी डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, है ना. फिर इसमें बोला गया इंडिया की सिचुएशन देखें तो देर इज हिस्टोरिकली लार्ज गैप बिटवीन एस्टिमेटेड केसेस जो माने जाते केसेस हैं और जिनको डायग्नोस किया था, मतलब जिसमें पक्का हो जाता है कि भाई सफरिंग फ्रॉम टीबी, उनमें हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर माना जाता है. मतलब एस्टिमेशन होता है कि दीज मनी पेशेंट्स विल बी देयर, बट जो काउंट होता है एक्चुअल वो कम आता है. क्यों? क्योंकि डिटेक्शन जो होता है हमारे यहाँ पर लेट होता है. तो नेशनल टीबी पर प्रिवलेंस सर्वे रिवील्स दैट 64 डिड नॉट गेट टेस्टेड फॉर टीबी डिस्पाइट रिकमेंडेशन फॉर मोर एक्यूरेट मेथड्स. दिस मेयर माइक्रोस्कोपी मेथड इज यूज इन आर नेशन विच हैज 50% सेंसिटिविटी, मतलब इसमें केवल 50% इसकी सेंसिटिविटी, 50% केसेस में डिटेक्ट होंगे, बट स्टिल वी आर यूजिंग दिस ओल्ड मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ टीबी, स्मियर माइक्रोस्कोपी मेथड जो इसमें बोला गया ना, वो टाइटल यही है कि स्टिल वी आर यूजिंग दिस ओल्ड मेथड, और ये ओल्ड मेथड यूज कर रहे हैं. तो हम लोग 2025 तक जो 100% बोलते हैं ना कि हम लोग टीबी एलिमिनेट कर लेंगे हमारे देश में, वो कैसे कर पाएंगे. स्टिल वाइडली यूज फॉर टीबी डायग्नोस इंडिया 2014 डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन रिकमेंड जीन एक्सपर्ट ओवर माइक्रोस्कोपी फॉर टीबी सस्पेशन. इसमें जीन एक्सपर्ट न्यू टेक्निक है ना जिसमें डिटेक्शन बेहतर होता है, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी डिटेक्ट हो जाती है, वो डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया हुआ है, बट हमारे यहाँ पर जीन एक्सपर्ट यूज मतलब कम होता है यूज, हमारे यहाँ पर दिस ओल्ड स्मियर माइक्रोस्कोपी ज्यादा यूज होती है. उसी ताल्लुक में ये आर्टिकल लिखा गया है और उसमें बोला गया है कि मॉलिकुलर टेक्निक डिटेक्ट दिस रिफामपिसिन रेजिस्टेंस एंड आर मोर सेंसिटिव देन स्मियर माइक्रोस्कोपी, ये बेहतर होती है, ये डब्ल्यूएचओ ने भी बोला हुआ है, बस स्टिल. और इसमें हमारे द्वारा प्रयास भी किए गए, नंबर ऑफ मशीन्स वी हैव बॉट एंड इंस्टॉल्ड दैट इज इंक्रीज, बट ओवरऑल जितना बढ़ना चाहिए ना, जितना इंक्रीज होना चाहिए ओवरऑल डिटेक्शन में, उतना नहीं हो पाया है. सो इंडिया 40 रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट इन 2014, हमारे यहाँ कितने थे 2014 में, केवल 40 थे, जो बढ़ा करके 5090 मतलब 5100 5.1 के हो गए करीब करीब, बट स्टिल उस ताल्लुक में जितना हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान किया गया था कि दीज मेनी नंबर ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू अचीव इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस, वो यहाँ नहीं हो पाए क्योंकि डायग्नोसिस हमारे द्वारा किससे किया गया, अभी भी माइक्रोस्कोपी टेस्ट से करते हैं. सो स्ट्रेटेजिक वॉज टू लोअर दिस स्मेयर माइक्रोस्कोपी टेस्ट फ्रॉम 9.1 मिलियन इन 2015 टू 5.8, इतना हम लोग लोअर करने वाले थे, है ना, एंड इंक्रीज मॉलिकुलर टेस्टिंग फ्रॉम 40,000 टू 13.4 मिलियन. बट हुआ क्या है, 13.4 मिलियन हमारा टारगेट था जो हमारे द्वारा अचीव नहीं किया गया, हम लोग 2.5 मिलियन कुछ हम लोग अचीव कर पाए हैं. 77% ऑफ प्रोबेबल टीबी केसेस वर एलिमिनेटेड बाय स्मियर माइक्रोस्कोपी और ओनली 23% बाय मॉलिक्यूलर टेस्टिंग. सो जो मेथड हमारे यहाँ अपनानी चाहिए थी वो हमारे यहाँ अपनाई नहीं जा रही है, दिस मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इज नॉट बीइंग अडॉप्टेड हियर, दो विद द नंबर ऑफ मशीन्स वी हैव इंस्टॉल्ड हैज बीन इंक्रीज, मशीन बढ़ाई जा चुकी है बट दिस मेथड इज स्टिल नॉट बीइंग यूज्ड दैट वेल, राइट. सो मेनी टीबी पेशेंट एग्जिबिट नो सिम्टम कॉम्प्लिकेटिंग अर्ली डिटेक्शन, मैंने जैसे कहा कि वो बिगनिंग में तो उसमें मालूम ही नहीं पड़ता है, तो बाद के लिए प्रोसेस अपने आप में डिफिकल्ट हो जाती है. दी 2019-21 टीबी प्रिवलेंस सर्वे फाउंड दैट 43% टीबी केसेस वर ओवरलुक विदाउट चेस्ट एक्सरे, तो इन केसेस में ऐसा पाया गया कि अगर चेस्ट एक्सरे नहीं कराया जाता है तो फिर इनमें टीबी के डिटेक्शन ही नहीं हो पाता.
तो चेस्ट एक्सरे कराया जाए इसलिए डिटेक्शन हो पाया, नहीं तो 43 केसेस में, तो 43% केसेस में दैट कुड नॉट बी डिटेक्शन एट ऑल. तो दीज एविडेंस सजेस्ट टीबी डजंट फॉल इनटू लेटेंट और एक्टिव. मतलब इसमें बोला गया कि टीबी का मतलब डिटेक्शन जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि इट इज लाइक जीरो या वन, इट इज नॉट डिजिटल, इट इज नॉट बाइनरी कि लेटेंट है दिख रहा है या कि फिर एक्टिव है, मतलब हिडन है या एक्टिव है. लेटेंट मतलब क्या था, हिडन है. तो हिडन एक्टिव ऐसा नहीं बोल सकते, उसमें स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में चेंजेस होते हैं. स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इट इज गॉट रेंज विथ इट. तो टीवी डिटेक्शन इज नॉट समथिंग विच इज लेटेंट एंड डिटेक्टेड, सिंपल, या उसको बाइनरी नहीं बोल सकते हैं. इट इज गॉट अ स्पेक्ट्रम, मतलब चेंजेस आर देयर उसके अंदर. स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ना कि अलग अलग कलर्स वहां पर दिखते हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं. तो वहां ये कह रहे हैं कि इट इज नॉट लेटेंट और एक्टिव, इट इज गॉट डिफरेंट स्टेजेस टू इट, है ना. मे प्रेजेंट अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज. इंडिया वॉन्ट्स टू एलिमिनेट टीवी बाई 2025. जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो टीबी एलिमिनेशन दुनिया भर का गोल जो है वो 2030 तक टीबी एलिमिनेशन इज द गोल फॉर द वर्ल्ड. भारत ने जो गोल दिया है दैट इज ओनली 2025, 5 years prior to sustainable development goals, है ना. बट यूजिंग आउटमोटिव स्मेयर माइक्रोस्कोपी मेक्स द गोल अनलाइकली. अब उसमें देखिए, इसको समझिए, हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं दैट इज ओवर प्रिमिटिव, एंड आर टारगेट को हम लोगों ने प्रीपोन कर लिया है. मतलब अगर हम 2025 तक ये करने वाले हैं, एलिमिनेशन करना चाहते हैं 2025 तक, जबकि दुनिया का टारगेट 30 तक है, और हम लोग अगर पुरानी मेथड यूज करें तो हाउ इज इट पॉसिबल, वो संभव ही नहीं होगा. सो दो आर वी वी ड्रीम टू फिनिश, वी ड्रीम टू एलिमिनेट दिस टीबी बाय 2025, बट द मेथड वी अडॉप्ट इज द ओल्ड वन. तो हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज अनलाइकली. ये नॉवल है अपने आप में, विरोधाभासी बेसिकली, राइट. सो दैट इज बीन टोल्ड हियर, राइट. देन वी कंटिन्यू विद आर नेक्स्ट. अब नेक्स्ट में बोला गया व्हाई आर रोहिणी पैनल्स फाइंडिंग इंपॉर्टेंट. पहले तो ये है कि आपने आप राइट right? अब ये पैनल जो लाई गई थी ना, इसमें ये किया गया है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन या ओबीसी के जो बेनिफिट मिलते हैं, ओबीसी में कई सारी जातियां आती हैं, कई सारे कास्ट आते हैं, बट इस पैनल के थ्रू ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि हाउ मेनी कास्ट है, हाउ मेनी दिस जो कास्ट है ओबीसी कैटेगरी में, जिनको ज्यादा फायदा मिल रहा है एंड अदर्स आर सफरिंग इन दैट रिगार्ड. तो देर आर सर्टन जो कास्ट इन ओबीसी, दे आर गेटिंग बेटर, मतलब दे आर टेकिंग द बिगर पाई ऑफ द बेनिफिट इन दिस कंप्लीट दिस कैटेगराइजेशन. तो उस ताल्लुक में दिस पर्टिकुलर दिस रिपोर्ट, जिसको बोला ये कमेटी बनाई गई थी, है ना. तो इसमें देखा जाए तो पहले न्यूज आर्टिकल में वो देख लें, वर्ड सब कैटेगराइजेशन होता है, क्लासीफाइंग इन टू स्मॉलर ग्रुप्स फिर लार्जर कैटेगरी, मतलब एक बड़ी कैटेगरी में अगर सब कैटेगराइजेशन किया जाए तो अलग अलग दूसरी मतलब डिफरेंट मोर कैटेगरीज कैन बी फाउंड, है ना. उसमें क्लासिफिकेशन ब्रेकडाउन इक्विटेबली, मतलब फेयरली, बराबर. ग्रेनुलरिटी यहाँ पर यूज किया गया है, तो ग्रेनुलर मतलब होता है पार्ट, स्मॉल पीसेस को ग्रेनुल्स बोलते हैं. तो ग्रेनुलरिटी का मतलब होता है द एक्सटेंट टू विच मटेरियल सिस्टम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, उनको अलग अलग किया जा सकता है ना. अब इसमें हम लोग अपने इस पर आते हैं, सॉरी, यहाँ पर दिस, हाँ ये पुराना आ गया है, इसको मत देखिएगा, वेलकम टू यार दिस न्यूज. जस्टिस जी रोहिणी लेड कमिटी फोकसिंग ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी ग्रुप्स, है ना, वॉज क्रिएटेड इन अक्टूबर 2017. और इसमें ऐसा बोला गया था कि इनको कुछ कुछ कम समय का, कुछ महीनों का समय दिया गया था, 3 months टाइम वॉज, 3 or 4 months टाइम वॉज गिवन, बट इसको 6 साल हो चुके हैं अब तक और 14 एक्सटेंशन हैव बीन प्रोवाइडेड टू दिस, राइट. इसमें बोला क्या गया था, कमीशन गोल वॉज टू सब कैटेगराइज 2600 कास्ट ग्रुप इन ओबीसी लिस्ट, है ना. अभी क्यों किया गया, क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ द कास्ट ग्रुप जो है उनको इसका फायदा नहीं मिला है, एंड सम सर्टेन सिलेक्टेड कास्ट ग्रुप्स हैव गॉट द कंप्लीट बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट. सो दिस वाज इज जॉब वाज टू डिटरमाइन कि व्हाई दिस दिस इसको बोलना चाहिए ना, डिस्पेरिटी अपने आप में क्यों है, एंड व्हिच कास्ट आर नॉट, कास्ट आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट, वेयर इन द बेनिफिट्स ऑन ऑन अ हायर साइड अदर. तो वो यहां पर डिटरमाइन करना था. जॉब वाज डिटरमाइन हाउ 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी को दिया जाता है वॉज यूटिलाइज बाय वेरियस कास्ट ग्रुप्स. कमीशन फाउंड दैट फ्यू कास्ट ग्रुप्स, कुछ चुनिंदा ग्रुप जो है उनकी मोनोपोली है इनकम्प्लीट सिस्टम, मतलब जो रिजर्वेशन दिया था ना उसमें कुछ कुछ कास्ट को सबसे ज्यादा फायदा होता है. दे मोनोपोलाइज द कंप्लीट दिस जिसको बोलना चाहिए ग्लोब इन टर्म्स ऑफ दी दिस ओबीसी, राइट. तो उसमें एंड एंड फॉर द रिजर्वेशन एंड बेनिफिट्स मीन फॉर द ओबीसी, तो उसमें बाकी को फायदा नहीं मिल रहा, कुछ को फायदा मिल रहा है. तो यहाँ पर वो डिस्परिटी कम की जाए, इसलिए इस ग्रुप को लाया गया था, इस कमेटी को लाया गया था, राइट. और इसमें रिकमेंडेशन क्या दी गई, इस कमेटी ने बोला है ऑफर हायर रिजर्वेशन परसेंटेज टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड लेस टू द डोमिनेंट वन. अब इसमें सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, और
इसमें ऐसा किया जाए कि जिन लोगों को अभी तक इसका फायदा नहीं मिला है उनको ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दो सब कैटेगरी में, ओबीसी के अंदर भी अलग अलग जातियों की कैटेगरी, कुछ ग्रुप्स बना दिए गए जातियों के, उनको आप रिजर्वेशन दीजिए, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करिए, और उन केसेस को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करिए जिनको अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है, मार्जिनलाइज जो है ना उनको सपोर्ट नहीं मिला तो उनको ज्यादा दो, और जिनको सपोर्ट मिल चुका है जो एक बेहतर कंडीशन में जिनका डेवलपमेंट हुआ है प्रॉपरली उनको आप कम रिजर्वेशन दे सकते हैं। एंड सजेस्ट करेक्शन इन सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, रिप्लेसमेंट स्पेलिंग कॉजिंग माइनर चेंजेस। दूसरा, उन्होंने कई सारे सजेशन चाहिए, कई लोगों के नाम वहां पर, मतलब जो जातियों के नाम होते हैं उनकी स्पेलिंग गलत है, उनमें कुछ ओवरलैप हो रहा है एंड ऑल, तो देर आर माइनर चेंजेस जो इनके द्वारा बोले गए, उसको रैशनलाइजेशन बोला गया, दैट इज लाइक दैट इज फ्रॉम द माइनर चेंजेस, उसमें इशू नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मुला जो इनके द्वारा दिया गया दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच पोलिटिकल, अपने आप में इशू हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है इन 27% में अगर आपने बोला कि सम पर्टिकुलर जातियों को ज्यादा फायदा मिला है और इनका रिजर्वेशन अब कम कर देना चाहिए और जिनको नहीं मिला उनका बढ़ा देना चाहिए, तो दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट। तो गवर्नमेंट द्वारा शायद इसी रीजन से इस रिपोर्ट को बारंबार आगे बढ़ाया गया, मतलब ये अज्यूमिंग एलिजिबली बोल रहा हूं मैं। द कमीशन फाइंडिंग विल हाईलाइट व्हिच ओबीसी कमिटीज बेनिफिटेड फ्रॉम रिजर्वेशन सिंस 1992, जब ये इंप्लीमेंटेशन किया गया था तब से लेकर अभी तक इसमें बताया गया कि किन्हें फायदा ज्यादा मिला है, राइट। ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट क्लेमर फॉर कास्ट सेंसस इज सो मच अराउंड, तो कास्ट सेंसस की बार बार बात की जा रही है, उस ताल्लुक में इस कमीशन की रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया गया था, बार बार इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। इट कुड अफेक्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑन द डोमिनेंट कम्युनिटी। अब किसी पर्टिकुलर किसी लेट्स से कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ऐसी कम्युनिटी का ज्यादा वर्चस्व है जिन्हें रिजर्वेशन अब तक मिला है, राइट, और अगर उनको रिजर्वेशन कम करना की बात की गई तो दिस कम्युनिटी इज गोइंग टू हिट बैक इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिपरकशन, उसके सहन करने पड़ेंगे। इसलिए द गवर्नमेंट इज वेरी मच अप्रिहेंसिव व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, दैट इज द रीजन इसकी जो रिपोर्ट थी इस ओवरऑल कमीशन को बार बार इसको एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया था। ओरिजिनली 12 वीक्स वर अलॉटेड, है ना, 12 वीक अलॉट किए गए थे, मतलब 3 महीने, जो मैं आपसे कहता हूँ ओनली 3 मंथ्स वर अलॉटेड ओरिजिनली फॉर ब्रिंगिंग दिस रिपोर्ट, बट बाद में इस रिपोर्ट को आते आते देखें तो करीब करीब 6 वर्ष हो चुके हैं और अब तक 14 एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो वो क्यों ऐसा हुआ है, उसका रीजन ये है कि सम कास्ट जो एंजॉयड दी पर्टिकुलर रिजर्वेशन टू अलॉट एंड दे डोमिनेटेड या मोनोपोलाइज द कंप्लीट ग्रुप एंड नाउ इट इज द टाइम व्हेन दिस इज गोइंग टू बी सब कैटेगराइज, तो इसको अब सबकैटेगराइज किया जा सकता है, राइट। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, जो कुछ तक हद तक हमने डिस्कस भी कर लिया था, है ना, तो उसमें बोला गया है 2023 बिल इंट्रोड्यूस राइट फॉर डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डेटा यूज किया जा रहा है, तो आई कैन बी डेटा प्रिंसिपल, माय डेटा इज बीइंग यूज्ड। इसमें डेटा फ्यूडिशरी की बात की गई है, जिसके द्वारा डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, विच रिफर्स टू इंडिविजुअल्स हु डेटा इज बीइंग प्रोसेस आर कॉल्ड डेटा प्रिंसिपल। तो इसमें जो चेंजेस किए गए हैं डेटा दिस डेटा प्रोटेक्शन बिल में वो यहाँ पर बोले गए, रिक्वेस्ट फॉर अ समरी ऑफ द प्रोसेस डेटा, मतलब वो अपने डेटा की प्रोसेस समरी जो होती है वो यूज वो पता कर सकते हैं, दे कैन लर्न द एंटिटीज विथ हुम डेटा इज बीइंग शेयर्ड, दे सीक द करेक्शन कंप्लीशन अपडेशन और इरेजर ऑफ द डेटा, दे कैन गो फॉर इट, या अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटेशन दैट इज गिवन, एंड बिल लेवीज ड्यूटीज एंड पेनल्टीज ऑन डीपी सच एज पेनलाइजिंग देम फॉर दी फॉल्स कंप्लेंट। दिस डेटा प्रिंसिपल में अगर इनके द्वारा मतलब इनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेटा प्रोटेक्शन में बोली गई है, जिन लोगों का डेटा है दे आर गिवन राइट्स टू गो थ्रू द डेटा हाउ इट इज बीइंग प्रोसेस, किन लोगों के साथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किन लोग और किस तरीके से आप उसको चाहें तो अपडेट करवा सकते हैं, किस तरीके चाहें तो आप उसको एलिमिनेट करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम दे हैव बीन टोल्ड कि आपके द्वारा कोई भी गलत कंप्लेन नहीं की जानी चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेटा प्रोटेक्शन बिल में डेटा प्रिंसिपल की बात की गई, डेटा प्रिंसिपल हुज डेटा इट इज देयर, और उनके राइट्स की बात की गई, तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। फिर उसमें गवर्नमेंट द्वारा ना इस बिल में कई सारे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज माइट रिसीव एग्जेम्पशंस ऑन सेवरल ग्राउंड्स इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ प्रीवियस एग्जेम्पशन, डेटा प्रोसेस फॉर रिसर्च आर्काइविंग स्टैटिस्टिकल रीजन, दीज हैज बीन एग्जेम्प्टेड इन दिस पर्टिकुलर डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब इसमें बिल लुक्स टू अमेंड सर्टन एक्ट्स इन आईटी एक्ट और आईटीआई में इनके द्वारा कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। आपको याद हो तो हम लोगों ने इसके पहले डिस्कशन किया था कि आरटीआई में देर आर गोइंग टू बी सम चेंजेस, जिसके थ्रू ये होगा कि गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई चाहते हैं कि डेटा ना दिया जाए, इसको रिवील ना किया जाए, तो केवल एक नोटिफिकेशन निकाल के दे कैन मेक द डेटा नॉट टू बी रिवील्ड, मतलब दे कैन इशू अ नोटिफिकेशन एंड दे कैन चेक द रिलीज ऑफ द डेटा। दिस राइट हैज बीन गिवन अंडर द आरटीआई एक्ट, तो उसमें उनको ये भी राइट होते हैं कि किसी प्राइवेट एंटिटी का डेटा जो है उसको रिवील होने से आरटीआई के थ्रू रोका जा सकता है
ना. सो उस ताल्लुक में देयर आर सर्टेन चेंजेस विच आर बीइंग गिवन बाय विच आर बीइंग जिसको बोलना चाहिए प्रपोज बाय गवर्नमेंट, जो उस बिल में लाए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल इट एम्स टू एलिमिनेट प्रोविजन वेयर कंपनीज आर लायबल टू नेग्लिजेंट हैंडलिंग ऑफ दिस सेंसिटिव डेटा. अमेंडमेंट ऑफ आरटीए माइट पोटेंशियली ब्रॉडन स्कोप ऑफ डोल्डिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक, जिस आई टोल्ड यू. अब इसमें लास्ट में बोला गया था बिल ऑब्लिगेट्स डेटा फिड्यूशरीज टू नोटिफाई डेटा प्रिंसिपल इन इवेंट ऑफ द डेटा ब्रीच. फिड्यूशरी मतलब जो डेटा यूज कर रहा है, प्रिंसिपल मतलब जिसका डेटा यूज हो रहा है. तो उसमें फिड्यूशरीज जो होते हैं उनको ये बोला गया कि यदि आपके केस में डेटा की कोई ब्रीचिंग होती है, किसी व्यक्ति के पर्सनल डेटा अगर उसको रिवील कर दिया गया है, तो आपको उस डेटा ब्रीच की जानकारी उस व्यक्ति को देनी होगी, राइट, उस पर्टिकुलर पार्टी को आपको देनी होगी. तो बिल ऑब्लिगेट डेटा फिड्यूशरी टू नोटिफाई डेटा प्रिंसिपल्स इन द इवेंट ऑफ अ डेटा ब्रीच, राइट. इसको इतना आंसर और पढ़ लीजिएगा. देन हाउ विल इंडेक्टमेंट अफेक्ट ट्रम्प, दिस हैज बीन मल्टीपल टाइम यूज, ये हमने डिस्कस किया हुआ है. ये तो दिस इज अगेन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, इसे आपको पढ़ना है, दिस यू नीड टू डू. एंड देन कैबिनेट क्लियर्स 1.39 लाख फंडिंग टू स्केल अप द भारत नेट मिशन, है ना. दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.39 जो होगा, जिसमें गांव गांव तक जो नेट फैसिलिटी होती है वो पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 1.39 लाख का एक अभी इसको होना चाहिए फंडिंग जो है वो क्लियर की गई है. एक लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, अनफॉर्चुनेट न्यूज है. दिस वन यंग राइडर श्रेयस वॉज ओनली 13 ईयर्स ऑफ ओल्ड, है ना. एंड ही वेंट ऑन टू विन मेनी मेनी दिस बाइक रेस इनके द्वारा जीती गई थी. सम अभी कुछ दिनों पहले ही डाइड इन दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट ड्यूरिंग दिस रेस इन चेन्नई, है ना. तो वो एक न्यूज है, इसे आप देख लीजिएगा, अनफॉर्चुनेट वन. देन वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज द क्विज. और क्विज में हम लोग जो हमने सैटरडे को क्विज किया था उसके आंसर्स आई एम डिस्कसिंग. द न्यू क्विज जो होगा टुमारो, मेंटी क्विज की हम बात करते हैं, तो टुमारो आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, है ना. बिकॉज आर नेक्स्ट स्कूल डिस्कशन इज स्टिल देयर, मंडे वाला डिस्कशन भी है. तो कल हम लोग जो क्विज होगा वो हम कल करने वाले हैं, जो सैटरडे का था दैट वी टेक केयर ऑफ योर टुडे. सैटरडे को मैंने पूछा था आपसे, एज पर सुप्रीम कोर्ट व्हाट वाज द ओवरसाइट इन द प्रीवियस जजमेंट रिलेटेड टू राहुल गांधी केस. राहुल गांधी केस में क्या ओवरसाइट थी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और सूरत कोर्ट की जब बात की गई थी, तो उनके ताल्लुक में कमेंट जो की गई थी कि कौन से ऐसे इशू थे जो ओवर साइड जिनको नजरअंदाज किया गया. तो इसमें हमारा आंसर जो होता है वो होता है फर्स्ट वन, इट नेगलेक्टेड द एड्रेस टू एड्रेस द एब्सेंस ऑफ रीजनिंग फॉर द मैक्सिमम पनिशमेंट. सबसे ज्यादा पनिशमेंट जो होती है वह इसमें दी गई है, तो उसकी रीजनिंग नहीं दी गई है. रीजनिंग मतलब उसमें ऐसा बोला कि अगर एक दिन भी कम होता तो शायद इनको इनकी जो इनकी सीट थी वो ना जाती. तो आपको जो एकदम मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है उसकी रीजनिंग शायद यहाँ पर नहीं बताई गई है ना. ये वाला फर्स्ट पार्ट. अकॉर्डिंग टू मिस्टर फैज़ा अहमदी रिगार्डिंग द एएसआई सर्वे इन वाराणसी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज बीइंग ब्रीच्ड, कौन सा एक्ट है जिसको ब्रीच किया जा रहा है थ्रू दिस पर्टिकुलर दिस सर्वे. जो द फॉलोइंग एक्ट इज बीइंग ब्रीच्ड, ये हमारा आंसर जो था वो था फर्स्ट वन, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991, उसको यहाँ ब्रीच किया जा रहा है, राइट. दिस वॉज द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ने पूछा था पोस्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, जहां पर 19 नए डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं, तो व्हाट इज द टोटल काउंट ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट. तो हमारा आंसर यहाँ पर होता था कि 50 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर गोइंग टू बी देयर, 50 नए डिस्ट्रिक्ट होंगे, 31 पहले थे, 19 अभी जोड़े गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 वाज हु हैज फाइल्ड द पिटीशन अगेंस्ट द यूज ऑफ एक्रोनिम इंडिया बाय अपोजिशन पार्टीज, किसके द्वारा पिटीशन फाइल किया गया था कि ये नाम जो लाया गया है नाम अपने आप में मतलब ये नहीं लाना चाहिए, दिस इज द नेम ऑफ द कंट्री. तो द पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किया गया बाय मिस्टर गिरीश भारद्वाज. Then we come to question number 5. Question number 5 says, what was the acronym India stand for? ये कई लोगों ने शायद confusion में गलत आंसर किया हो, but इसका correct answer is Indian National Developmental Inclusive Alliance. है ना, तो Indian National Alliance is common, developmental and inclusive याद रखिएगा, है ना, विकास और inclusion की यहाँ पर बात की गई है. Question number 6 says, what is the central plea in the lawsuit concerning ज्ञान वापी मॉस? तो इसमें central plea क्या है, मतलब जो beginning में plea की गई थी ना, beginning में जिसकी बात की गई थी वो क्या है? तो इट इज राइट टू वर्शिप हिंदू डीटीज, है ना. तो ये बेसिक कि वहां पर जो प्रे प्रे करने का मतलब वहां पर पूजा करने का प्रे करने का अधिकार दिया जाए, तो दैट इज सी. देन व्हाट इज द इंटरनेशनल प्रैक्टिस रिगार्डिंग द टैक्स इंपोजिशन इन द गेमिंग इंडस्ट्री, जो हमारे यहाँ पर हो रहा है ना, हमारे यहाँ पर केस जितना वो बैट लगाई गई उस पर टैक्स लगाया जा रहा है फर्स्ट बैट, बट ओवरऑल दुनिया भर में जो होता है वो होता है ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री, है ना. टिपिकल लेवी बेस्ड ऑन द ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू ऑफ द कंपनी बेसिकली. तो यहाँ पर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट कुड पोटेंशियली बी द डेंजरस आउटकम ऑफ रशिया स्पेकुलेटिव यूज ऑफ टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, मतलब जो बार बार रशिया द्वारा बेसिकली जो जो चेतावनी दी जा रही है, यूज तो नहीं बोलना चाहिए, दिस स्पेकुलेटिव थ्रेटनिंग
उसका क्या हो सकता है? तो यहाँ यूज तो जब वो यूज कर ही लेंगे, बट यहाँ पर इट इज थ्रेटनिंग होना चाहिए, जो थ्रेट दी जा रही है ना बार बार, है ना, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका इस रिजल्ट होने वाला है कि रशिया में ब्रेक दिस न्यूक्लियर टैबू। टैबू का मतलब है कि न्यूक्लियर जो पावर है इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। पर जिस तरीके से स्थिति बन रही है और जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू गिव दी थ्रेट्स अगेन अगेन, उसे हो सकता है कि दे मे एंड अप ब्रेकिंग द न्यूक्लियर टैबू। तो रशिया में ब्रेक द न्यूक्लियर टैबू इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ऑन वॉट ग्राउंड द बेसिस ऑफ वाइड स्प्रेड कंसेंसस अगेंस्ट एम्प्लॉइंग न्यूक्लियर वेपन्स। अभी जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करना है, जो कंसेंसस बनाया गया था, ये अपने आप कोई लीगल कंसेंसस नहीं है, ये अपने आप में एक मॉरल, प्रोपोर्शनल और रिस्पॉन्सिबल ग्राउंड पे इसको तैयार किया गया है। इट इज नॉट अ लीगल दिस इसको बोलना चाहिए दिस कंसेंसस, इट इज अ मॉरल कंसेंसस और प्रोपोर्शनल एंड रिस्पॉन्सिबल ग्राउंड पे, राइट। देन लास्ट बोला गया व्हाट इज द वन ऑफ द प्री कंडीशन जो कि जो मानी जा रही है, प्री कंडीशन जो कि मानी जा रही है मतलब बिटवीन यूएस एंड सऊदी अरेबिया व्हेन दे आर गोइंग टू शेक हैंड्स विद इसराइल, मतलब जो हाथ मिलाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद इसराइल, है ना, संधि जो करने वाले हैं। तो उस ताल्लुक में यूएस मस्ट प्रोवाइड दी नेटो लाइक सिक्योरिटी गारंटीज टू दी सऊदी अरेबिया, दैट इज वन ऑफ द प्री कंडीशन इन नॉर्मलाइजिंग सऊदी इसराइली रिलेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस इज गोइंग टू गिव दिस, जिसको बोलना चाहिए ये अपने आप में एक तरीके से सिक्योरिटी गारंटी यूएस द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होना चाहिए, राइट। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर संडे, मतलब आज जो हमारा 6 अगस्त 2023 संडे का डिस्कशन। ग्रॉस रेवेन्यू मतलब बेटा टोटल रेवेन्यू जो भी होता है, ग्रॉस का मतलब होता है कि टोटल। देखो अगर सैलरी में हम बोले ग्रॉस, तो ग्रॉस सैलरी इज द कंप्लीट सैलरी, और उसके बाद में उसमें से प्रोविडेंट फंड कटेगा, टैक्स कटेगा, है ना। तो ग्रॉस रेवेन्यू जो होता है ना उसमें भी कंप्लीट रेवेन्यू की बात आती है, उसके बाद में उसमें से टैक्स वगैरह डिडक्ट होकर के अल्टीमेटली बाद में टैक्स और जो भी ऑब्लिगेशन होती हैं उनको डिडक्ट करके एक वैल्यू आती है, तो उसको नेट रेवेन्यू बोला जाएगा। क्लियर? तो ग्रॉस एंड नेट जो भी बोला जाए ना, वो एक टोटल जो बिगिनिंग में कंप्लीट मिला उसके ऊपर कैलकुलेशन की बात करते हैं, राइट। ग्रॉस इज टोटल एंड आफ्टर सम डिडक्शन जो वैल्यू आती है उसको नेट बोलते हैं, राइट। सो दैट इज ग्रॉस रेवेन्यू। अब यहां पर वी आर कंक्लूडिंग आर डिस्कशन फॉर 6 अगस्त 2023 संडे डिस्कशन वी आर डन, राइट। आफ्टर सम टाइम इट्स 11:10 राइट नाउ, अराउंड 10 हो रहे हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू मीट 11:30 फॉर टूडेज डिस्कशन। आज के डिस्कशन के लिए हम एक्जैक्टली 11:30 वी आर गोइंग टू मीट, वील हैव मोर देन 1 आवर डिस्कशन फॉर टूडेज 7 अगस्त 2023, ओके। तो यर आई 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 टेक योर लीव एंड आई एम कमिंग बैक एट 11:30, क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एंड फॉर क्विज वी आर गोइंग टू टेक द क्विज फॉर कंप्लीट वीक टुमारो, कल लिया जाएगा, कल मेंटी क्विज विल टेक, ओके। चलिए।